क्शन इन द माउथ ये माउथ में रिफ्रैक्शन भी दिखा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स यहां पर क्या होता है जो इमेज बनती है वो होती है नंबर वन लार्ज एक तो वो लार्ज इमेज होती है पॉइंट नंबर टू वो होती है ब्राइटर वो होती है ब्राइटर दैट मीन्स जो कनकेव मिरर होता है इस ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके वजह से इसकी हेल्प से जो इमेज बनती है ऑफ द टीथ वो क्या बनती है एक तो मैग्नीफाइड बनती है लार्ज बनती है एंड पॉइंट नंबर टू याद रखिएगा वो ब्राइटर इमेज बनती है इज दैट क्लियर फ्टर दैट हम आते हैं अपने इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट अगेन सेम क्वेश्चन बट यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा शैफिल किया गया है ऑप्शन नंबर वन से इज कॉन्केव लेंस कॉन्वैक्स लेंस कॉन्वैक्स मिररर और नन ऑफ दीज क्या हम लेंस का यूज करते हैं नोव no. पहली बात याद रखिएगा हम किसका यूज करते हैं हम मिरर का यूज करते हैं तो लेंस वाले दोनों ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो सकते हैं इजीली इज दैट क्लियर तो यहां पर बचा जाए मिरर क्या हम कॉन्वैक्स मिरर को यूज करते हैं नो no. यहां पर हम कॉनवैक्स कॉनकेव कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट्स नन ऑफ द अबव आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री हार्ट इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके पास क्या होते हैं तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है बेसिकली यहां पर मैं आपको बोल दू तीन चैम्बर्ड थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होता है ये किन में होता है याद रखिएगा यहाँ पर दिस इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस एम्फीबियंस जो भी एम्फीबियंस आते हैं उनमें क्या होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्लस ये होता है रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स में लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम और एक बात याद रखिएगा जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन को याद रखेगा जो कि है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल बेसिकली एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास क्या होता है फोर चैंबर्ड हार्ट होता है ये बात याद रखिएगा दिस इज द पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आप यहाँ पर याद रखिएगा ये तो हो गया ये जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है बेसिकली उसमें क्या होता है जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे बेटा हमारे पास होता है फोर चैंबर्ड हार्ट फोर होते हैं उसमें टू होते हैं एंड टू होते हैं वेंट्रिकल्स इज दैट क्लियर तो लेकिन ये जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जो रेप्टाइल्स में आ, पाया जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल इन तीन चैम्बर्ड हार्ट में होते हैं दो होते हैं इसमें एट्रिया टू एट्रिया होते हैं एंड प्लस वन होता है इसमें वेंट्रिकल एक वेंट्रिकल होता है इसमें इज दैट क्लियर तो अगर हम मंकी की बात करेंगे क्रोकोडाइल की बात करेंगे फोर फोर होता होता है है इसमें इसमें भी तो इसमें भी तो है। अगर हम फिश की बात करेंगे तो फोर चैम्बर्ड होता है जो फिश का होता है यहाँ पर याद रखिएगा फिश के जो हार्ट होता है जो फोर चैम्बर होता है उसमें जो फोर चैम्बर्स आते हैं उनको पहले को बोलते हैं साइनस विनोसस साइनस विनोसस हो सकता है ये भी आपको पूछा जाए और दूसरा होता है एट्रियम एट्रियम तीसरा होता है वेंट्रिकल

गाल ब्लैडर जो होता है बेटा ये प्रेजेंट क्यों होता है इसका काम क्या होता है तो याद रखेगा गाल ब्लेडर जो होता है द द फंक्शन ऑफ ऑफ ब्लैडर इज बेसिकली स्टोरेज बाइल प्रोड्यूस होता है इन द लिवर उसको स्टोर करता है गाल ब्लैडर अब वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें या तो बाइल प्रोड्यूस ही ना होगा और जिनमें बाइल प्रोड्यूस होगा लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट में होगा उनको हम बोल सकते हैं कि उनमें जो गाल है उसकी नीड कम हो सकती है इज दैट क्लियर तो अगर हम सम मैमल स्पीशीज की बात करेंगे यहां पर मैं मैं लिख रहा हूं। मैमल स्पीशीज की बात करेंगे लाइक like, पर लिखूंगा सम हॉर्सेस की बात करूंगा मैं या अगर मैं डियर की बात करूंगा या मैं अगर रेट्स की बात करूंगा तो इनमें गाल ब्लेडर जो होता है नो गाल ब्लेडर इनमें गाल ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता है क्यों क्योंकि या तो इनमें जो बाइल होता है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है और अगर इनमें बाइल प्रोड्यूस होगा तो वो मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन huh, to to पहला एनिमल था जो ट्रेवल किया स्पेस में माउस काक्रोच डॉग और मॉस्किटो सबको पता होगा एक डॉग था जिसको स्पेस शिप में भरा गया था और जिसने ट्रेवल किया था टू तो स्पेस उस डॉग का नाम याद रखिएगा डॉग का नाम था लाइका बेसिकली ये फीमेल डॉग थी फीमेल डॉग फीमेल डॉग जिसका नाम था क्या लाइका और यहां पर डेट भी याद रखिएगा जनरल नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कब भेजा गया था इसको स्पेस में थ्री नवंबर थर्ड नवंबर 1957 को इसको भेजा गया था स्पेस में इज दैट क्लियर

After that, uh, 68th question is, uh, what is the particulate matter? Particulate matter होता क्या है? Solid residue, air pollutant, water pollutant और soil pollutant. Basically बेटा अगर हम uh, particulate matter की बात करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, particulate matter एक ऐसा atmospheric, मैं यहाँ पर बोलूँगा, इनको हम बोलते हैं atmospheric, atmospheric एरोसॉल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है ये जो हो सकते हैं aerosols, ये सॉलिड्स तो भी हो सकते हैं या गया है कि सॉलिड्स तो भी हो सकते हैं या लिक्विड्स भी हो सकते हैं जो क्या होते हैं सस्पेंडेड इन एयर सस्पेंडेड इन एयर जो भी एयर में सस्पेंडेड होते हैं सो so यहाँ पर अगर मैं अपने मोस्ट अप्रोप्रेट ऑप्शन को ढूंढूंगा डूंग तो सॉलिड रेसिड्यू नो एयर पोल्यूटेंट मेरा हो जाएगा एक uh,

एक ऐसा ड्रग जिससे एक ह्यूमन में जिससे एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा लॉस ऑफ सेंसेशन होगी उसको हम बोलेंगे एनेस्थेटिक ड्रग इज दैट क्लियर ड्रग्स का यूज हम कब करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन की नीड हमें कब पड़ती है बेटा जब सर्जिकल ऑपरेशन ज्यूरिंग द सर्जरीज ज्यूरिंग द सर्जरीज हम पेशेंट को क्या एनेस्थीसिया देते हैं उससे उसको होती है लॉस ऑफ सेंसेशन जब लॉस ऑफ सेंसेशन होती है उससे पेन क्या होती है पेन या तो रिड्यूस होती है या तो नो no पेन होती है या तो पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होती है क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं नो कार्बन मोनोऑक्साइड नो हीलियम नो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड को हम यूज करते हैं एज एज एन एस्थेटिक ये बात याद रखिएगा इसके अलावा यहां पर मैं प्लस में और लिखूंगा यहां पर हम एन uh, फ्लोरीन को यूज करते हैं एन फ्लोरन को हम यूज करते हैं एज एन एनेस्थेटिक और एन एस्थेटिक एज हम यूज करते हैं किसको आइसो इसोफ्लोरन आइसो फ्लोरेन भी एक ऐसा ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं एस एन एन एस्थेटिक ड्रग ज्यूरिंग द सर्जिकल कंडीशन ज्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशन आफ्टर दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैचेड इनमें से कौन सा वाला पियर जो है वो करेक्टली मैचेड है यहां से एक कॉलम में हमें दिया गया है ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एंड सेकेंड में दिया गया है मेडिसन ऑर्गन तो ये कुछ ऐसे ये होना चाहिए ब्रांच ऑफ द मेडिसन ब्रांच ऑफ द मेडिसन यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए ह्यूमन ऑर्गन यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है चलो छोड़ो उसको ऑप्शन नंबर इज कार्डियोलॉजी रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या कार्डियोलॉजी हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के अबाउट स्टडी करते हैं नो no. कार्डियोलॉजी में हम अबाउट हार्ट स्टडी करते हैं गैस्ट्रो यूरिनरी एंटीरोलॉजी सिस्टम नो गैस्ट्रो में हम क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं अगर हम यूरोलॉजी की बात करेंगे तो यूरिनरी सिस्टम के बाद यूरिनरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं किसमें यूरोलॉजी में ऑप्शन नंबर डी इज न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम तो ये ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट मैचिंग है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर दैट बेटा देयर इज क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैनड फॉर द यूज एज द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस बाय द एथलीट्स इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एथलीट्स यूज करते हैं एज परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस और वो बैनड भी नहीं है अगर हम एथलीट्स की बात करेंगे तो एथलीट्स कौन से ड्रग्स यूज करते हैं ड्रग्स का एक टाइप है जिनको हम बोलते हैं स्टाइमूलेंट्स स्टाइमुलेंट्स वो यूज करते हैं किसके लिए जिससे उनकी परफॉर्मेंस को क्या होता है एनहेंसमेंट मिलती है बेसिकली स्टाइमुलेंट्स करते क्या है एक ऐसा ड्रग है जो रिड्यूस करता है बेटा ये रिड्यूस करता है फैट्यू को फैट्यू को ये रिड्यूस करता है और मैं यहां पर बोल सकता हूं इट इंक्रीजेस ये इंक्रीज करता है किसको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है प्लस मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो हार्ट रेट होती है बेटा हार्ट रेट को ये इंक्रीज करता है इज दैट क्लियर जब ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है उससे जो एनहेंसमेंट uh, आती है किसमें परफॉर्मेंस में आती है एनहेंसमेंट इज दैट क्लियर नाउ यहां पर जो हमारे ऑप्शन दैट्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो इसको बेसिकली बैन किया गया था टेस्टास्टिर हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करते हैं तो इस पर कोई भी बैन नहीं होती है एरथ्रोपोटिन और कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रॉम हम किसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम बेसिकली होता है बेटा जो मदर का मिल्क होता है मदर्स मिल्क इन द अर्ली टाइम जो अर्ली टाइम में जो पहले पहले मदर का मिल्क निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम ये येलोइश इन कलर होता है येलोइश इन कलर होता है प्लस इसकी एक खास बात है कि इसमें एंटीबॉडीज भरपूर प्रेजेंट होती है सो दैट्स व्हाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक यंग uh, बेबी के लिए आफ्टर दैट देयर इज क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली 매च्ड इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसको करेक्टली मैच नहीं किया गया है यहां पर देखिए

Properties, ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें कोई भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है ये ये है है। क्या? ये ए, खुद एक acidic होता है। मैं बोल सकता हूं नेचर एंड इसको हम यूज करते हैं जो फिनाल पैथलीन होता है इसको हम यूज करते हैं इन एसिड बेस टाइट्रेशन इन एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसको यूज करते हैं क्लियर आफ्टर दैट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द चीफ मॉस्किटो रेपेलेंट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम मॉस्किटो मॉस्किटो रेपेलेंट हम कहां से यूज करते हैं बैसिल तुलसी लेमन नींबू जिसको हम बोलते हैं मैरगो नीम जिसको हम बोलते हैं टर्मेरिक हल्दी जिसको हम बोलते हैं देखिए बेटा पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो टर्मेरिक है टर्मेरिक में क्या होता है प्रेजेंट टर्मेरिक में एक केमिकल प्रोसा है प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं किर्क्यूमिन किरक्यूमिन जिसमें प्रेजेंट होता है एंड वो एक्ट करता है एज मॉस्किटो रेपेलेंट तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा आफ्टर दैट हम आते हैं नीम पे नीम क्या है नीम की बात करेंगे तो पहले हम बासी की बात करेंगे तुलसी की बात करेंगे तो तुलसी में भी जो एरोमेटिक एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो कुछ ऐसी एरोमा प्रोड्यूस करते हैं जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं आफ्टर दैट लेमन की बात करेंगे जिसको हम नींबू बोलते हैं लेमन ग्रास और इसको हम लेमन ग्रास में यहाँ पर लिखूंगा लेमन ग्रास जो होता है वो भी एक ऐसा ऑडोर प्रेजेंट प्रोड्यूस करता है जो कि होता है मॉस्किटो रिपेलेंट तो यहां पर हमारे पास बच गया नीम नीम एक ऐसा केमिकल में यहां पर बोलूंगा एक ऐसा केमिकल है जो हम यूज नहीं करते हैं एज मॉस्किटो रिपेलेंट और ये प्रोड्यूस कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करता है आफ्टर दैट सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन इज अंगूरा वूल इज ओपटेन फ्रॉम द ब्रीड्स ऑफ अंगूरा वूल जो होता है ये कहां से हम ओप्टेन करते हैं शीप फॉक्स रेबिट और गोट तिपेतियन डिबर डियर तो यहां पर देखिए बेटा अंगूरा किसको बोलते हैं अंगूरा की अगर हम बात करेंगे अंगूरा हम बोलते हैं रैबिट हियर को रैबिट के पास जो हियर होता है उसी को हम अंगूरा बोलते हैं तो यहां पर ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा अंगूरा वूल तो ये वो वूल हो जाएगा जो हम रैबिट से क्या करते हैं ओपटेन करते हैं या यहां पर गोट से हम ऑप्टेन करते हैं लेकिन यहां पर गोट अगर इसके साथ नहीं होता तो ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बन जाता है रेबिट अगर हम स्पेसिफिकली गोट की बात करेंगे तो गोट से हम कौन सा वूल उपटेन करते हैं यहां पर मैं लिखूंगा पहले हम करते हैं मोहर ये एक टाइप ऑफ वूल है जो हम कहा से ओबटेन uh, करते हैं जो हम गोट से ऑप्टेन करते हैं एंड इसके अलावा हम कश्मीर कश्मीर एक टाइप ऑफ वूल है जिसको हम ऑबटेन करते हैं फ्रॉम द गोट इज दैट क्लियर इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है अगर हम शीप की बात करेंगे तो शीप से हम जो वूल ऑप्टेन uh, करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लीस क्लियर सो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर दैट इज एंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव

सेल्यूलोज ईटिंग इंसेक्ट जो होते हैं बेटा वही हम टर्माइट्स उनको ही बोलते हैं तो इनको हम कभी कभी और एक नाम से जानते हैं बेटा जो होता है व्हाइट आर्ट्स व्हाइट आर्ट्स के नाम से भी इनको जान जाना जाता है बेसिकली होते क्या है ये सेल्यूलोज ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं नेक्स्ट इज रिस डेवलपड टेक्निक फॉर मोनिटरिंग द फ्यूटल ग्रोथ इज कौन सी टेक्निक को रिसेंटली क्या किया गया डेवलप किया गया जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं फ्यूटल ग्रोथ को जब एक फ्यूटस होता है इन द व मदर तो वहां पर आ, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए देखने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं माइक्रोवेव माइक्रोवेव टेक्निक अल्ट्रासोनिक्स अल्ट्रावायोलटरेज और एक्सरेज तो देखिए बेटा जो रिसेंटली वाली टेक्निक है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स अल्ट्रासोनिक्स में बेसिकली क्या करते हैं हम हम चेक कर सकते हैं वी कैन चेक द ग्रोथ ऑफ फीटस द ग्रोथ ऑफ फीटस जो इनसाइड द इन होता है अल्ट्रासोनिक्स में बेसिकली यूज क्या होता है यहां पर याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है इसमें यूज ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है बेटा ये हार्मफुल होती है किसके लिए चाइल्ड के लिए, लिए हार्मफुल होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर दैट देर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एम्ब्रियो इज फाउंड इन एम्ब्रियो किसमें पाया जाता है फ्लावर लीव सीड्स और बर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन

एंडोस्पम भी इसी में प्रेजेंट होता है एंडोस्पम एक थ्री एन को हम एंड को हम थ्री एन से रिप्रेजेंट करते हैं थ्री एन मीन इट्स नेचर ट्राइपोलाइड इज दैट क्लियर प्लस एंडोस्पम का काम क्या होता है इट प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द यंग डेवलपिंग एम्ब्रियो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द यंग डेवलपिंग एम्ब्रियो दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल तो यहां पर आप लिखिएगा सीड इज दैट क्लियर आफ्टर दैट uh, आता है हमारा और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द फर्स्ट कंट्री टू इंपोज बैन ऑन द सेल ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज

यहां पर पहले आपको पता होना चाहिए एनए की फुल फॉर्म एन की फुल फॉर्म होती है नेशनल यहां पर मैं लिख रहा हूं आप सबके लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अब ये किससे डील करता है तो ऑब्वियसली एड्स से डील करेगा एड्स के प्रिवेंशन से डील करेगा एड्स को कंट्रोल करने के साथ ये डील करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटी वन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट

जो इंडिया में है इज लोकेटेड एट सी डी आर आई कहा क्या है लोकेटेड है सी डी आर आई का मतलब क्या होता है बेटा सेंट्रल ये भी याद रखिएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म आप इसकी याद रखिएगा पॉइंट नंबर वन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है सी डी आर आई की अब इसकी लोकेशन की बात हो रही है तो ये लोके, ये लोकेटेड है इन लखनऊ ये लखनऊ में क्या है लोकेटेड है

एजेंसी जो किसके अंडर कंट्रोल है जो किसके अंडर काम करती है दिस इज़ अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो अगर यहाँ पर इंडरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वे ऑफ इंडिया एसओ आई जो है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है जहां तक इसकी एसओ आई सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स की बात है बेटा तो वो देहरादून में है देहरादून में क्या है प्रेजेंट है और वो कब से ये फाउंड किया गया था 1767 हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन यहाँ पर डेट भी याद रखेगा तो जनरल नॉलेज डी के परसपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका डेट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है

आर आई सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी हम इसको डिनोट करते हैं ये क्या कोलकाता में प्रेजेंट है नो no. ये ये प्रेजेंट है कहां पर न्यू न्यू दिल्ली दिल्ली में में कहा गया था ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी एट ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा जो आंसर हो जाएगा यही पर हमें अपना आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्स्ट क्वेश्चनिटी एनिमल डिजीज लेबोर इज लोकेटेड इन इंडिया बेसिकली क्वेश्चनिटी एनिमल डिजीज लेबोरटरी जो है वो इंडिया में कहा रखियेगा भोपाल में प्रेजेंट है यहां पर मैं लिख दू भोपाल में प्रेजेंट होती है क्या हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरटरी इज दट क्लियर जी के क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट ये कहां पर प्रेजेंट है इसकी लोकेशन की बात हो रही है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग रिसर्च सेंटर की पुणे न्यू डेली हैदराबाद कोलकाता पुणे नहीं है न्यू डेली नहीं है. हैदराबाद में यह प्रेजेंट होता है बेटा ये बात ये बात याद रखिएगा और इसको ऑपरेट यहाँ पर याद रखिएगा इट वॉज ऑपरेटेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी

ऑफ द द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन ब्रेन इन टू इट्स बॉडी बॉडी साइज दैट अगर हम और का क्या देखेंगे रेशियो देखेंगे ये मैक्सिमम किसमें है क्या आंट में होता है एलिफेंट में होता है डॉल्फिन में होता है या ह्यूमन बीइंग में होता है याद रखिएगा ये होता है डॉल्फिन में यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डॉल्फिन डॉल्फिन में मैक्सिमम होता है क्या ब्रेन अगर 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 हम 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 देखेंगे इस point से, अगर हम इसको देखेंगे का इस लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा जो पैरट होता है जो पैरट होता है इसके अलावा जो क्रोज होते हैं उनमें भी ब्रेन इज टू बॉडी का रेशियो जो होता है बेटा वो मैक्सिमम होता है दैट मीनस ये जो डॉल्फिन होती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है कौन एक डॉल्फिन क्योंकि इसका ब्रेन टू बॉडी जो साइज है वो रेशियो है वो मैक्सिमम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेड इनमें से कौन सा वाला करेक्टली मैचेड नहीं है एंटीफ्रीज कंपाउंड ये तो करेक्ट हो जाएगा एंटीनॉक एजेंट एंटीनोक्ट्राइथाइलेड ये भी हमारा ठीक हो जाएगा एंटी ऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन ये भी हमारा ठीक हो जाएगा एंटीबायोटिक साइक्लोह नो एंटी एज एन एंटीबायोटिक साइक्लोहेक्न को हम यूज नहीं करते हैं याद रखिएगा एंटीबायोटिक स्किन को हम बोलते हैं जो एगेनेस्ट वर्क करते हैं अगेनेस्ट बैक्टीरिया क्या साइक्लोहेक्सिन को हम एज एन एंटीबायोटिक यूज करते हैं नो no. इसको हम एज एन एंटीबायोटिक यूज नहीं करते हैं यहां पर और एक बात याद रखिएगा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बेटा दे वर्क ओनली अगेन्स्ट द बैक्टीरिया नॉट वायरस ये याद रखिएगा कहीं कई बार ये इंसान समझ लेता है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट द वायरस नो दिस वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया ये सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करने वाले हैं वर्क करने वाले हैं इसी तरीके से अगर हम बीटा कैरोटीन की बात करेंगे तो ये एंटी है बेसिकली ये हमें बचाता है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ये हमें उनसे बचाता है अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं ये हमारी सेल्स को हार्म पहुंचाते हैं डेंजर में आती है हमारी सेल्स क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करती है उनकी सो so इसीलिए इस ये क्या है एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेल्पफुल होता है फॉर द ह्यूमन बींगर क्वेश्चन कला फोटोसेंथेसिस मैक्सम इनमें से कौन सा कला ऐसा है जिसमें क्या होता है फोटोसेंथेसिस मैक्सिमम होती है पहली बात याद रखियेगा जो फोटोसेंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है पी से हम जिसको जानते हैं वो होती है फोर टू सेवन स जिस लाइट की ये बार इस रेंज में रेडिएशन होगी फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर्स तो उसी में क्या होगी फोटोसेंथेसिस होगी इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसेंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्लियर आफ्टर दैट अगर हम पी ए आर की बात करेंगे तो इसमें हम अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे बेटा जो लाइट की होती है लाइट बाई क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्बन करता है वो किस स्पेक्ट्रम का करता है वो करता है रेड

टोटल वाटर जो एब्सॉर्ब करता है टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाई द्लांट बाई प्लांट प्लांट जो भी टोटल वाटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से वन टू टू परसेंट ये यूज करता है फॉर इट सेल्फ यूज फॉर इट सेल्फ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो बचा नाइन्टी एट टू नाइंटी नाइन परसेंट जो वाटर होता है दैट इज लॉस्ट थ्रू Transpiration, वो transpiration में lost होता है 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 ये याद होती होती क्या है? Transpiration होती है, loss of, loss of water, जब वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ वेपर्स वेपर्स के फॉर्म में जब वाटर लॉस करता है एक प्लांट उसको हम बोलते हैं ट्रांसपाइरेशन पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो आपको यहां पर याद रखनी है जो भी टोटल वाटर एब्जॉर्ब करता है एक प्लांट उसमें से वन और टू परसेंट जो वाटर होता है वो एक प्लांट यूज करता है फॉर इट सेल्फ ऑनली वन और टू परसेंट बाकी जो बचा नाइंटी एट और नाइन्टी नाइन परसेंट जो होता है बेटा वो क्या होता है वो लॉस्ट होता है थ्रू ट्रांसपाइरेशन ट्रांसपाइरेशन में वो उस वाटर को क्या करता है लॉस करता है इज दैट क्लियर तो यहां पर हम अगर अपने आंसर को देखेंगे तो ट्रांसपाइरेशन मैक्सिमम कहा से होती है तो स्टोमा से होती है या लेंटिसल से होती है नो no. क्यूटिकल से होती है क्यूटिकल क्या होता है ये कवरिंग होती है ये कवरिंग होती है वैक्सी कवरिंग ऑन द लीव्स और समटाइम्स मे बी इन स्टम्स ये क्यूटिकल नहीं हो सकता है बार्क नो दिस इज इज देयर नो चांस ऑफ दिस तो so, यहां पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा स्टोमा आफ्टर दैट याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स द लीव्स फॉल वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश डैश इंक्रीजेस यहाँ पर बेसिकली प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं प्लांट हार्मोन्स में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है लीफ फॉल होता है <coughs> याद रखिएगा अगर हम जिबर लिंस की बात करेंगे यहां पर मैं अगर लिखूंगा जिबर लिंस अगर मैं लिखूंगा तो इनका रोल होता है डॉमेनसी में डॉरमे में तो यहाँ पर ये तो आंसर नहीं हो जाएगा वो होता है में, ये भी नहीं होगा साइटोकाइन की, की, की बात करेंगे बेटा सेल डिवीजन में इसका रोल होता है किसमें सेल डिवीजन में तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा बचा वहां पर इथाएलीन. अब इथाइलिन के बारे में याद रखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं इथाइलिन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा पॉइंट नंबर वन जो इथाइलिन के बारे में याद रखिएगा आप ये एक ऐसा सिंगल हार्मोन है प्लांट हार्मोन है जो गैशियस इन नेचर है गैशियस इन नेचर दैट मीनस इट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ अ गैस ये गैशियस हार्मोन है एक प्लांट हार्मोन पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इसका इसकी फंक्शन क्या होती है इसकी नीड क्यों होती है बिकॉज इट रेगुलेट्स द प्लांट ग्रोथ रेगुलेट्स प्लांट ग्रोथ ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है

इन बेसिकली फूड स्टोरेज की बात हो रही है फूड स्टोरेज ऑर्गन कौन सा होता है एक ऑनियन में क्या रूट होता है फ्लावर होता है लीव्स होते हैं और फ्रूट्स uh, होते हैं याद रखिएगा जो एक ऑनियन की बात हो रही है तो उसके लीव्स जो है लीव्स काम करते हैं एज फूड स्टोरेज ऑर्गन इनको हम बोलते हैं फ्लशी लीव्स फ्लशी लीव्स हम इनको बोलते हैं ये क्या काम करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू याद रखिएगा जो ये फूड स्टोर करते हैं दैट these uh, leaves, these these leaves, leaves, leaves fleshy fleshy more specifically, I would say, these fleshy leaves store the food in the form of sugar. In the form of sugar को ye क्या करते हैं Store करते हैं clear? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिकली अगर हम रूट्स की बात करेंगे बेटा तो रूट्स भी कई प्लांट्स में क्या करते हैं Roots जो है roots जो है ये भी क्या करते हैं फूड स्टोरेज फूड स्टोरेज का काम करती हैं कई सारे organs, कई सारे प्लांट्स में लाइक मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा carrot कैरेट की बात याद रखिएगा कैरेट के अलावा यहाँ पर रेड की बात याद रखिएगा ये दो एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिनमें रूट्स क्या काम करते हैं एज द फूड स्टोरेज ऑर्गन क्लियर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर नाइन एट राइबोजोम्स आर द साइट्स ऑफ राइबोजोम किसकी साइट्स है प्रोटीन सिंथेसिस फैट सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस और रेस्पेरेशन रेस्पेरेशन की तो नहीं होती है फोटो सिंथेस की भी नहीं होती है बचे हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन दो फैट सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए These act as the site of protein synthesis. याद रखियेगा जो राइबोजोम होती है राइबोजोम होती क्या है बेसिकलीज आर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है इन साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है राइबोजोम और एक इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखिएगा अगर हमारे पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा तो यूकेरियाटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा बेटा उसके पास होगा 80S एस जो टाइप ऑफ राइबोजोम है और इसी तरीके से अगर मेरे पास प्रोकैरियोटिक होगा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास जो होता है वो 70S एस होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

एंड फोर्टी परसेंट होता है यहाँ पर प्रोटीन तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आपसे पूछा जा सकता है क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्लियर आफ्टर दैट बेटा आ, हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश जो शार्क होती है शार्क में कितने बोन्स होती है पॉइंट नंबर वन याद रखिएगा शार्क एक कार्टिलेजनस फिश होती है कार्टिलिजनस फिश होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रिक थीज में आती है कॉन्ट्रिकीज दैट मीन इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसमें, कोई भी बोन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है दिस वाज द पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इनको हम और एक नाम से जानते हैं इनको हम बोलते हैं इलास्मो ये याद रखिएगा इलास्मो ब्रांच इलास्मो ब्रांच के नाम से भी इनको जानता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फिश विद ओनली कार्टिलेजनस टिश्यू कार्टिलेजनस टिश्यू ऐसी फिश ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट

कई स्टूडेंट्स ये थिंक कर रहे होंगे ये सोच रहे होंगे प्लस no. इसके साथ साथ ये कार्निवर्स भी होते हैं कार्निवर्स भी होते हैं दैट मीन देश जब ये दोनों करते हैं तो इनको हम बोलते हैं दीज आर ओमनिवर्स इज दैट क्लियर ओके आफ्टर दैट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेट क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ बियर डॉग कैट और रेबिट जो पांडा पांडा होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है पांडा की फैमिली याद रखेगा पांडा की फैमिली को जब स्टडी किया गया तो हमें यह पता चला कि पांडा जो है इट बिलोंग्स टू द फैमिली यूर्डेई यूर्स अब यूर्सडेई कौन सी फैमिली होती है इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ बियर्स

ठीक तो इसके अलावा आप याद रखिएगा तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही पर क्वेश्चन बोलता है एंड कंसिस्ट तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कैलेक्स कैलेक्स के बारे में बेटा और एक बात याद रखिएगा कि आउटर कवरिंग होती है आउटर कवरिंग होती है प्लस इसका कलर अगर हम देखेंगे तो वो ग्रीनश होता है ग्रीन कलर के होते हैं कौन सेपल्स होते हैं और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इज दैट क्लियर टू एवरी वन क्लियर ओके बेटा अब चलते हम अपने next question पे next question जो है है बेटा वो प्लांट इज कमोज आप जो cell होती है होता है एक प्लांट का वो किससे बना होता है लाइपोप्रोटीन दैट मीन लिपिड्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन नो ये तो नहीं होगा लिपिड से बना होता है नो no. कार्बोहाइड्रेट से बना होता है नो no. बेसिकली जो वाल uh, होता है दैट्स मेड अपलोस ये सेल्योस सेलिलोज से बना होता है क्या सेलवाल जो होता है मोस्ट ऑफ द इनका मोस्ट ऑफ द प्लांट सेलवाल जो होता है वो बना होता है सेलोज cell, uh, सा cellulose से सेलिलोज के बारे में और एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा दिस इज द मोस्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं मोस्ट अबंडंट मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल ऑन अर्थ सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रोमोलिक्यूल जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसका नाम है सेलिलोस ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहां पर इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द फिनोम द फीमेल आफ्टर कपुलेशन बेसिकली जब दो ऑर्गेनिज्म में एक मेल एंड एक ऑर्गेनिज्म में कपुलेशन होती है मैटिंग होती है आफ्टर दैट जो फीमेल होती है वो किल करती है अपने मेल पार्टनर को तो ये किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है पॉइंट नंबर वन यहां पर याद रखिएगा जिस फिनोमिना में एक फीमेल किल करती है एक मेल को आफ्टर कैपुलेशन इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं याद रखिएगा इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेक्शुअल सेक्शुअल कैनिबालिज्म कैनिबालिज्म सेक्सुअल ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कई बार आपसे डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाए थाउजेंड प्री का क्वेश्चन क्वेश्चन है 2008 का की लेवल देख सकते हो आप कैनबॉलिज्म सेक्सुअल कैनबॉलिज्म उस फिनोमिना को बोलते हैं जिसमें आफ्टर मैटिंग आफ्टर कपुलेशन जो फीमेल पार्टनर होता है वो मेल को क्या करता है किल करता है तो ये हम किस में फाउंड करते हैं ये फाउंड करते हैं हम स्पाइडर्स में याद रखिएगा इस बात को स्पाइडर्स में सेक्सुअल कैनिबालिज्म फिनोमिना को हम पाते हैं फाइंड आउट करते हैं क्लियर नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दैट इज इज नंबर बाइल बाइल जूस जूस इन कहां पर बनता है बाइल जूस की बात हो रही है बाइल जूस कहां पर बनता है क्या किडनी में बनता है सिल्वरी ग्लैंड में बनता है लंग्स में बनता है नो सिल बाइल जूस बेसिकली बनता है लिवर में लिवर में जब बाइल जूस बनता है फिर ये लिवर सेक्रेट करता है इसको एंड स्टोर इसकी स्टोरेज कहां पर होती है ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है जो बाइल की सेक्रेशन होती है वो लिवर में होती है एंड जो बाइल होता है इसकी स्टोरेज कहां पर होती है याद रखिएगा गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बाइल की क्या होती है स्टोरेज होती है तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिवर इज द ऑर्गन दैट सेक्रेट बाइल आफ्टर दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन हाउ डू द मेंबर्स ऑफ हनी बी इच अदर जो हनीबी हैं जो डिफरेंट हनीबीज होते हैं वो एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को बाई मीन ऑफ फेरोमोन्स 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 क्या होते हैं दीज आर द केमिकल्स सिमिलर टू हार्मोन्स बट द फैक्ट इज दैट द डिफरेंस इज दैट इन बिटवीन फेरोमोन्स एंड हारमोन द डिफरेंस इज दैट फेरोमोन्स एक्ट दे एक्ट ऑनली आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी

कम्युनिकेशन जो ये करते हैं ये इंसेक्ट करते हैं ये सेरोमोन्स की हेल्प से ही करते हैं क्लियर नाउ द फॉलोइंग में से कौन सा वाला स्टाइमेंट है टाइप ऑफ ड्रग जो स्टेमलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम बेटा अल्कोहल एंड सिगरेट की बात करेंगे यहां पर अल्कोहल प्लस सिगरेट को मैं यहां पर नार्कोटिक में रखूंगा नॉर्कोटिक ड्रग्स ये इन नेचर होते हैं क्लियर इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर मरजवा की बात करूंगा या उपयम की बात करूंगा पहले मैं ओपियम की बात करूंगा तो ये या किसी भी की बात करूंगा तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज डिप्रेसेंट डिप्रेशन से एक्ट कर रहे हैं डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है दी इज स्लो डाउन स्लो डाउन मैसेजिंग जो मैसेजेस ट्रेवल करती है इन बॉडी ये उसको स्लो करती है जब ये उसको स्लो करती है दैट मीन मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दी इज

ट होती है बेटा हार्ट बीट क्या होती है इंक्रीज होती है हार्ट बीट इंक्रीज होने के साथ साथ में यहाँ पर बोलूंगा जो बीपी होता है वो भी इंक्रीज होती है इज दैट क्लियर ओके फाइन आफ्टर दैट बेटा सो आफ्टर दैट बेटा अवर सेशन फॉर पुले इज ओवर जो सारे क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं आज का सेशन हमने यहाँ पर अच्छे से किया आई होप आप सबको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आए होंगे सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे हम मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए ओके बाय